अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ कटलेस आलू की टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आए। और ये ऐसी रेसिपी है जो बहुत जल्द तैयार हो जाएगी और मजे की भी लगेगी आपको। और इसमें जो इंग्रीडियंट डालूंगी वो आपके घर में एवरी टाइम मौजूद होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैंने इसमें हाफ के जी मैंने आलू लिए हैं और मैंने उनको बॉईल करके मैश कर लिया है। इसको मैंने साइड पर रख दिया है। अब जो मैंने इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालने हैं, प्याज है बारीक, मीडियम साइज का मैंने एक प्याज लिया है, उसको मैंने बारीक चॉप कर दिया है। नमक हसबे जायका इसमें आएगा, थोड़ा सा हरा धनिया आएगा इसमें, 1 टेबल स्पून मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी, 3 हरी मिर्ची मैंने बारीक काट ली हैं, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया और लाल मिर्चें 1/2 टेबलस्पून। अब ये सारे इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर डाल दूंगी। देखते जाएं, सारे इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर डालती जा रही हूं। अगर आपने बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली मिर्ची यूज कीजिएगा। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। जी ये देखें, अब हम टिक्कियों को नॉर्मल साइज की शेप देके तो रख लेंगे। अब मैं इनको, ये अंडा मैंने फेंटा है और अब मैं टिक्कियों को फ्राई करने लगी हूं। इसमें डालने लगी हूं। जी व्यूवर्स, अब आलू की टिक्कियां फ्राई कर ली हैं, मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। आप हरे धनिये की चटनी या केचप जिसके साथ दिल करे लगाकर खाएं, बहुत मजे की हैं। बच्चों की ये फेवरेट हैं और इनफैक्ट मेरी भी फेवरेट है, सो जरूर ट्राई कीजिएगा। और एट द लास्ट यही कहूंगी कि अगर आपको ये पसंद आए रेसिपी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।